नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बदायूं के दातागंज में भारतीय किसान यूनियन के भारत बंद के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और किसानों ने दातागंज में धरना प्रदर्शन किया, जहां एक गुट राकेश टिकैत किसान यूनियन का है। इन लोगों ने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तहसील परिसर में शांति व्यवस्था के साथ धरना प्रदर्शन किया और SDM को ज्ञापन सौंपा। वहीं दातागंज में दूसरे गुट भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजकिशोर के नेतृत्व में दातागंज ब्लॉक से धरना प्रदर्शन होते हुए दातागंज तहसील परिसर पहुंचा, जहां ब्रिजकिशोर ने कहा कि धरना प्रदर्शन कृषि कानून को वापस लेने के लिए किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बिगड़े बोल बोलते हुए कहा कि यदि सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधि जूतों से पीटे जाएंगे, और तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे झूठ बोलती है, किसानों का शोषण करती है, गरीबों का शोषण करती है, नफरत फैलाकर धर्म पर राजनीति करते हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार से पहले 2017 में किसान का ग्रोथ रेट 5% था, जो अब घटकर भाजपा सरकार में 1.8% रह गया है। ब्रिजकिशोर ने कहा कि भाजपा सरकार पुलिस के बल पर गुंडागर्दी करना चाहती है, जो अब नहीं चलेगी, और कहा कि प्रदेश और देश में वही सरकार बनेगी जो किसान हित में बात करेगी और किसान हित में काम करेगी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए बताइए संवाद। राष्ट्रीय आह्वान पर 27 सितम्बर को भारत बंद का संयुक्त मोर्चे ने, जिन 40 लोगों का संगठन है, उन लोगों ने आह्वान किया था कि भारत बंद किया जाए। जी क्या क्या मांगे हैं आप? अरे हमारी वही पुरानी मांगे हैं, कोई नई मांग थोड़ी हमने करी है भाई, कि ये काला कानून है इसे वापस ले लो, MSP पे कानून बना दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, बिजली के बिल के दाम कम कर दो। काले कानून से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं? काले कानून से सब माल तो अडानी है। अरे आप काले कानून ये है कि जमीन किसान की ले लो, मोदी जी को अडानी अंबानी को चाहिए मजदूर, और मजदूर कहाँ होते हैं? मजदूर होते हैं गांव में, जहाँ पर खेती नहीं रहेगी तो मजदूरी करने हमारे बच्चे शहर में ही जाएंगे, इसलिए काला कानून है। हम तो कहते हैं MSP पे कानून बना दो। इतना समय होने के बाद भी सरकार कोई मांगों को नहीं सुन रही है, आगे अगर नहीं सुनती तब चलता रहेगा। हमारे नेता ने राकेश टिकैत ने कह दिया है कि अभी तो 10 महीने धरना चला है, अगर 10 साल धरना चलेगा, जो भी सरकार आएगी वो धरने को कानून को वापस करेगी। कानून वापस नहीं होगा, जब तक कानून वापस नहीं होगा घर नहीं आएंगे। अच्छा, किसानों के गन्ने पर जो 25 रुपए बढ़ाने के लिए कहा है सरकार, उसके लिए क्या कहना? 25 पैसे किलो चीनी के दाम बढ़े हैं गन्ने के, ठीक है, 25 पैसे किलो, और चीनी के दाम बढ़ा दिए 6 रुपए किलो, तो ये कहाँ का न्याय है? पंजाब में 50 रुपए बढ़ाए गए, हरमिंदर सिंह ने बढ़ाए, हरियाणा में 50 रुपए बढ़ाए गए, राजस्थान में 350 का भाव है, तो UP में क्या मुख्यमंत्री हमारे कमजोर ना? तो बड़े ताकतवर मुख्यमंत्री हैं भैया, ईमानदार भी हैं, ताकतवर भी हैं, तो उन्हें भी दाम करने के 350 बनाने चाहिए। जो भारत बंद का आह्वान किया गया उसमें क्या यहाँ दातागंज को मार्केट बंद कराएगी? हम तो भैया उसको समर्थन दे रहे हैं, जो लोग हमारे थे उनका बाजार बंद है, और जो राजनीतिक पार्टियों से संबंधित हैं उन्होंने किया नहीं किया हमने उनसे कहा नहीं। सर आज यहाँ पे जो आप धरना प्रदर्शन, जो 3 किसान विरोधी बिल हैं जो भारत सरकार वापस नहीं ले रही है, उस आंदोलन को आज 1 वर्ष पूरा हुआ है, इसी के उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम है, और न दिल्ली सरकार, न यूपी सरकार, न हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, कहीं भी किसान का कोई मूवमेंट बंगाल तक कोई सरकार नहीं रोक पाई है, और अब ये किसान इतना जागरूक हो गया है कि इस आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं या देश के जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने किसानों के खिलाफ संसद में बिल बनाया है, ये गांव-गांव जाएंगे, हर गांव में इन्हें पीटा जाएगा जूतों से, इससे नीचे ये मानने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे झूठ बोलती है, गरीबों का शोषण करती है, धर्म की राजनीति नफरत फैला के करती है,
जब से ये सरकार आई है किसान का 5% ग्रोथ रेट था 1917 में, और ये 5 साल के अंदर आज किसान की इनकम, इनका NCRB का डाटा है, 1.8 पॉइंट, यानी 2 हिस्से कम हो गई, 1 हिस्से रह गई है। तो अब ये गुंडागर्दी इनकी और पुलिस के बल पे जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं, ये कहीं देश में चलने नहीं दी जाएगी, चाहे सरकार ये हो और चाहे अग्नि आने वाली सरकार हो। किसानों के साथ, इस देश के मजलूमों के साथ, मजदूरों के साथ जो भी अन्याय करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और वो ही इस देश में शासन करेगा जो किसान हित की बात करेगा और किसानों के कल्याण की बात करेगा, किसानों के विरोध में कोई कार्य नहीं करेगा। इसके उपलक्ष्य में ये पूरे देश में कार्यक्रम हुआ है, इसी के लिए हम लोग आए हैं, यही हमारा मन। आज बाजार बंद कहीं हुआ है? बाजार बंद तमाम जगह बाजार बंद हुआ है। दातागंज तो फर्जी, यहाँ मरे हुए लोग रहते हैं, मुर्दा लोग, जिनका नेताओं की वजह से जो कभी जिंदा न थे। कायदे में आज सोमवार का दिन था तो आज जानबूझ के खोला गया। जो किसान हित की बात करते हैं उन्होंने बाजार बंद किया, चूंकि हम लोगों से कहा गया कि जबरदस्ती बंद नहीं कराएंगे, इसलिए हम लोगों ने किसी से जबरदस्ती नहीं की है। जो किसान के समझदार लोग हैं, किसान के सपोर्ट में हैं, उन्होंने बंद रखी हैं, जो नहीं है उन्होंने नहीं रखी हैं, हमें इसका कोई वो नहीं है। लेकिन किसान पूरे देश का इकट्ठा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है और ये हमारे लिए सब